हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखते हैं कक्षा 12वीं में भौतिकी में यूनिट 5 अध्याय 8 विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो इस अध्याय से कुल 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें से एक एक अंक के 2 क्वेश्चन रहेंगे और 2 अंक का 1 क्वेश्चन रहेगा। तो ये बहुत ही छोटी यूनिट है, जिसमें से 2 अंक का एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाना है। और अभी तक हमने 4 यूनिट कंप्लीट कर दी हैं, ये यूनिट 5 है। तो इसमें से कुछ हम मोस्ट IMP क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से मात्र 2 अंक का एक क्वेश्चन आना है और 2 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होंगे। तो हम ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन 1 यूनिट से 10 यूनिट तक का एक वीडियो हम बना देंगे, जिसमें से मोस्ट IMP ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे। तो उसका वीडियो भी जैसे जे कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसके बाद हम उसका भी वीडियो देंगे आपको। तो आप इसको यूनिट को भी अच्छे से कवर कीजिए। तो ये हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसमें दिया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं, इनकी विशेषताएँ लिखिए। तो MP बोर्ड में ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को समझाइए और इनकी कोई 1 या 2 विशेषताएं लिखिए, ऐसा भी बन सकता है। इसके बाद में दिया है, सेकंड क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें तथा यांत्रिक तरंगों में अंतर लिखिए, कोई 2 अंतर इसमें लिखना पड़ेगा। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों संबंधी हर टच का प्रयोग समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गामा किरणों की खोज किसने की थी, इसका एक उपयोग लिखिए। तो 2 अंक में ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि गामा किरणों को समझाइए या फिर कोई 2 उपयोग लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स किरण क्या है, उपयोग लिखिए। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराबैंगनी विकिरण की खोज किसने की थी, उपयोग लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी टावर की ऊंचाई एवं प्रसारण दूरी में संबंध लिखिए। इसके बाद में दिया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति कैसे होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि कोहरे में संकेत के रूप में अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो तरंग क्या है, इनका उपयोग कहाँ होता है। इसके बाद में है कि ध्वनि तरंगे अनुध्वनि तरंगे होती हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, क्यों समझाइए। तो ये हमारे मोस्ट IMP क्वेश्चन 12 क्वेश्चन रहे, इसमें से ओनली मात्र 2 अंक का क्वेश्चन आना है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ से लीजिए, इसके बाद में इसका भी लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।